नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका माय मिनिमम स्टडी चैनल। जैसा कि दोस्तों अपन लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज अपन रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज अपन सेकंड चैप्टर नहीं, हम ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कंपटीशन में कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन के लगभग इसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है सॉल्यूशन वीएम। मैं इस सॉल्यूशन को आप लोगों के सामने ट्रिक बेस बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशन वीएन, यानी कि सबसे पहले तो अपन बात ये करते हैं प्यारे बच्चों कि वीएन होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक या एक से अधिक, या यूं कह सकता हूं दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है, ठीक है, समांगी मिश्रण हो या विषमांगी मिश्रण हो, उसे अपन लोग किसके नाम से जानते हैं, वीएन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं परिभाषा अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो परिभाषा अपनी क्या होगी बच्चों, डेफिनेशन, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को वीएन कहते हैं, वीएन कहते हैं। बात समझ में आ गई, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, वीएन कहते हैं। अब आप लोगों के सामने यहां पर एक नई कंडीशन आ रही है आप लोगों के सामने कि समांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण होता क्या है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं सबसे पहले मिश्रण के बारे में, किसके बारे में चर्चा करूं, मिश्रण के बारे में चर्चा करूं। ठीक है, मिश्रण सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि मिश्रण होता क्या है, मिश्रण होता क्या है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जब एक से अधिक पदार्थों को मिला दे, या यूं कह सकता हूं मैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। और यह मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी मिश्रण, कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। ठीक है, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है बच्चों, तो अपन यूं कह सकते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब बात यह आती है कि समांगी मिश्रण क्या होता है, इसमें आपको दो टर्म्स ध्यान रखने हैं। पहली टर्म्स, समांगी जो मिश्रण होता है उसमें एकल प्रावस्था होती है, कौन सी प्रावस्था होती है, एकल प्रावस्था, यानी कि कहने का मतलब यह हो गया इसकी प्रावस्था से एक ही रहेगी। सेकेंड, संगठन समान होता है, संगठन क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसमें दो टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं कि प्रावस्था एकल होगी और संगठन कैसा रहेगा, समान रहेगा। जबकि विषमांगी में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि प्रावस्था एक या एक, प्रावस्था एक से अधिक होगी, प्रावस्था क्या होगी, एक से अधिक प्रावस्था, यूं कह सकता हूं एक से अधिक प्रावस्था। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या कह सकता हूं, संगठन यहां समान कर रहा हूं तो यहां संगठन में क्या कर सकता हूं, परिवर्तन, यानी कि भिन्न भिन्न संगठन हो सकते हैं, भिन्न भिन्न संगठन हो सकते हैं, भिन्न भिन्न संगठन क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अपन लोगों ने पढ़ा क्या, मिश्रण के टाइप, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की अपन लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक है, अगर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल की आप लोगों से चर्चा कर लू, ठीक है, किसकी चर्चा कर लू मैं, फॉर एग्जाम्पल की चर्चा कर लू कि मेरे पास में ये एक पात्र है, मेरे पास में क्या है, ये पात्र है, और इस पात्र के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक लीटर पानी डाल दिया, एक लीटर मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, एक लीटर जल डाल दिया, H2। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्या कर देता हूं कि सिट्रिक एसिड डाल देता हूं, कौन सा एसिड डाल देता हूं, सिट्रिक एसिड डाल देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपने पास में कौन सा मिश्रण की तरह बिहेव करेगा, समांगी मिश्रण की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसके घटकों की अगर बात करूंगा तो समान। अगर मान लो मैं यहां पर क्या डाल दू, मिट्टी डाल दू, तो वो कौन सा मिश्रण करेगा, विषमांगी मिश्रण बनाएगा, कौन सा मिश्रण बनाएगा, विषमांगी मिश्रण बनाएगा। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब देखो जो मिश्रण बना था, इस मिश्रण को अपन किसके नाम से जान रहे हैं, वीएन के नाम से। तो ये अपन एक कंडीशन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वीएन के कणों का आकार, वीएन के कणों का आकार, कणों का
आकार। 10 की पावर माइनस कितना, 10 की पावर माइनस 7 से, 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 8 होता है। 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 8 होता है। इस बात को आप निश्चित ध्यान रखना है कि वीर्य के कणों का आकार कितना होता है, 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 8 से। बात समझ में आ गई? तो ये किसके कणों का आकार हो गया, वीर्य के कणों का आकार हो गया। याद रखने की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, मैं रफ कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वीर्य की, सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन की चर्चा करने से पहले कणों के आकार के बारे में, उनकी प्रावस्थाओं के बारे में और समांगी मिश्रण के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वीर्य की, किसकी चर्चा करेंगे, वीर्य की, ठीक है। वीर्य को कहते क्या है, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है विलेय, एक तो क्या होता है विलेय, और एक क्या होता है विलय, ठीक है। एक तो क्या होता है विलेय, जिसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, और विलय को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही, विलेय को क्या बोलते हैं सॉल्यूट, और विलय को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट होते हैं, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसका निर्माण करता है, सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो यूं कह सकते हो कि विलेय दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और किससे मिलकर बना होता है, विलायक से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि एक विलेय में अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, ठीक है। तो उसकी पहचान करने के लिए मैं आप लोगों को दो टर्म्स आपको बताता हूं। पहली टर्म्स क्या होती है कि अगर आपको विलेय की पहचान करनी है, किसकी पहचान करनी है, विलेय की, तो इसकी जो अमाउंट होती है वो लेस होती है, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि यह कम मात्रा में होगा। कौन सी मात्रा में होगा, कम मात्रा में। पहली टर्म्स आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर किसी विलेय में विलेय की पहचान करनी है तो कैसे कहोगे कि विलेय किस मात्रा में होता है, हमेशा कम मात्रा में होता है, ठीक है, जबकि विलायक कौन सी मात्रा में रहता है, ज्यादा मात्रा में, मोर अमाउंट। कौन सा अमाउंट कह सकते हो आप, मोर अमाउंट, ज्यादा मात्रा कह सकते हो। प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, अगर विलेय में जिसकी ज्यादा मात्रा होती है उसे आप क्या कहोगे, विलायक कहोगे। अगर विलेय में जिसकी कम मात्रा होती है उसे आप लोग क्या कहोगे, विलेय कहोगे। कम मात्रा विलेय, ज्यादा मात्रा विलायक, ठीक है। सेकंड टर्म्स आपको क्या ध्यान में रखनी है, विलेय हमेशा अदृश्य होता है, विलेय हमेशा क्या होता है, अदृश्य, जबकि विलायक हमेशा क्या होता है, दृश्य होता है। विलायक हमेशा क्या होता है, दृश्य होता है। ये दो टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है, विलेय हमेशा कैसा होता है, अदृश्य, और विलायक हमेशा कैसा होता है, दृश्य होता है। मैं फॉर एग्जांपल की आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं कि मेरे पास में क्या है, एक पात्र है। अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास में एक पात्र है, इस पात्र के अंदर मैंने क्या कर दिया कि 1 लीटर, बोलो कितना लीटर, 1 लीटर जल डाल दिया, H2O। बात समझ में आ गई, 1 लीटर मैंने क्या डाल दिया, इसमें 1 लीटर जल ले लिया। अब 1 लीटर जल के अंदर मैं वही सीट्रिक एसिड लेता हूं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये सीट्रिक एसिड होता किसमें है, नींबू में, किसमें होता है, नींबू में, ठीक है। तो मैं नींबू का पानी या रस कह सकता हूं या सीट्रिक एसिड कह सकता हूं इसमें डाल दूं। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ कि ये दो भाई कम मात्रा किसकी है, नींबू के रस की है, इसका मतलब ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। मैंने क्या कहा, कम मात्रा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, ज्यादा मात्रा किसकी है, पानी की, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इस पानी के अंदर मैं डालने के, नींबू का रस मैंने डाल दिया, डालने के बाद में अगर मैं ये देखता हूं क्या मुझे नींबू दिखता है, नींबू का रस नहीं दिखता है, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, अदृश्य। इसका मतलब नींबू का रस अदृश्य हुआ है, इसका मतलब वो तो क्या था, विलेय था। तो विलेय कैसा रहता है, हमेशा अदृश्य, और पानी कैसा रहता है, हमेशा पानी विलायक की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब वह कैसा रहता है, दृश्य। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है, कहीं पर यह कंपल्सरी नहीं है कि यहां पर मैं पानी काम में ले रहता हूं तो पानी विलाय की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमेशा विलाय विलाय ही रहेगा, विलेय विलेय ही रहेगा, यह कोई कंपल्सरी नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना कि विलेय विलेय रहे या विलाय विलाय ही रहे, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं, मेरे पास में एक चीनी की बोरी है, ये देखो मेरे पास में कौन सी बोरी है, चीनी की बोरी है, और इसमें मैंने शुगर डाल रखी है, बोलो कौन क्या डाल रखी है, शुगर, यानी कि मेरे पास में क्या है, चीनी की बोरी है। बात समझ रहे हो, ठीक है, चीनी को शुगर बोलते हो। अब मैं इसमें क्या करता हूं, 10 ml, बोलो कितना ml,
10 ml मैंने इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। बोलो क्या डाल दिया मैंने इसमें, 10 ml पानी डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस 10 ml पानी में पानी किस में डाल रहा हूं मैं, चीनी की बोरी में डाल रहा हूं। बताओ यहां पर मोर अमाउंट की अगर बात करता हूं तो वो चीनी की है या पानी की है, चीनी की है, शुगर की है। इसका मतलब मोर अमाउंट शुगर है, तो इसका मतलब किसकी तरह है बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि विलायक की तरह। तो बताओ इस चीनी की बोरी में विलायक कौन हुआ, विलायक चीनी भी, चीनी की बोरी में चीनी तो हो गई ना शुगर, लेकिन क्या मिला रहा हूं इसमें, पानी मिला रहा हूं, पानी की मात्रा क्या है, कम है। इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगी, विलेय की तरह बिहेव करेगी। बात समझ में आ गई। तो जरूरी नहीं है कि विलेय विलेय ही रहे, विलायक भी रहे, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होते रहते हैं। जैसे इस कंडीशन में बात करें तो पानी किसकी तरह काम कर रहा है, विलेय की तरह काम कर रहा है, और शुगर किसकी तरह काम कर रही है, विलायक की तरह काम कर रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, विलेय के टाइप्स के, विलेय के बारे में अपने जान सकते हैं। तो फिर से देखना, जो विलयन होता है कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, दो से, विलेय और विलायक से, ठीक है। विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। विलेय एदर से होता है और विलायक कैसा होता है, दर से होता है। बात समझ में आ गई। अगर मान लो आपके पास में क्या है कि दो पदार्थ होते हैं, कितने पदार्थ होते हैं, दो, तो इसका मतलब वो द्विअंगी विलयन का निर्माण करेंगे। अगर मान लो आपके पास में कितने पदार्थ हो, दो पदार्थ हो, ठीक है। अगर दो पदार्थ, बोलो कितने पदार्थ है, दो पदार्थ हो, तो इसका मतलब वो कितने अंगी विलयन का काम करते हैं, द्विअंगी विलयन बनाते हैं। कौन सा अंगी बनाएंगे, द्विअंगी। जैसे एक तो सिट्रिक एसिड हो गया, एक पानी हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा विलयन हो गया, द्विअंगी विलयन हो गया। अगर मान लो मेरे पास में तीन पदार्थ हो, कितने पदार्थ हो, तीन पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो तीन पदार्थ होंगे तो वो कौन सा अंगी विलयन बनाएंगे, त्रिअंगी विलयन बनाएंगे। जैसे ये विलयन मेरे पास में था, इसमें मैंने तीसरी चीज मिट्टी और मिला दी। बोलो क्या मिला थी, मैंने मिट्टी और मिला दी तीसरी चीज के रूप में, ठीक है। तो ये मेरे पास में कौन सा अंगी विलयन बन गया, त्रिअंगी विलयन बन गया। यानी कि पदार्थों की संख्या के आधार पर अगर दो होते हैं द्विअंगी हो जाएगा, तीन होते हैं त्रिअंगी हो जाएगा, अगर बहुत सारे मिल जाए तो वो बहुअंगी विलयन का निर्माण करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन बात करेंगे विलयन के टाइप्स की चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। विलयन की किसकी चर्चा करेंगे, अपन टाइप्स की चर्चा करेंगे, विलयन के प्रकार की चर्चा करेंगे, ठीक है। और वो विलयन के प्रकार किसके आधार पर पढ़ेंगे, विलय और विलायक के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे विलय की मात्रा क्या है, यानी कि अपन बात करेंगे विलयन के प्रकार, ठीक है। विलयन के प्रकार अपन विलयन के प्रकार तीन रूपों में पढ़ेंगे बच्चों। पहला रूप तो अपन ये पढ़ेंगे विलय की मात्रा के आधार पर, यानी कि विलयन में विलय कितना कितना परसेंट प्रेजेंट होगा, तो कौन कौन सा विलयन अपने पास में पैक होगा। बात समझ आ गई, विलय की मात्रा के आधार पर। सेकंड अपन बात करेंगे कि विलायक की प्रावस्था के आधार पर, यानी कि विलायक ठोस होगा, द्रवक होगा या फिर गैस होगा, ठीक है। थर्ड अपन बात करेंगे विलय और विलायक दोनों की प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट की चर्चा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपन लोग किसके आधार पर करेंगे, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक है। विलय की मात्रा के आधार पर अपन लोग किसके प्रकार पढ़ेंगे, अपन विलयन के, ठीक है। तो मैं ये लो अपने पास में क्या हो गया, विलयन अपने पास में क्या हो गया, विलयन। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन होता है, वो होता है चार प्रकार का। एक तो होता है तनु विलयन, कौन सा विलयन, तनु विलयन। विलय की मात्रा के आधार पर एक तो कौन सा विलयन हो गया, तनु विलयन। एक होता है संदर विलयन, कौन सा विलयन होता है, संदर विलयन, ठीक है। और एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और एक होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, विलय की मात्रा के आधार पर विलय कितने प्रकार का हो गया, चार प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया, चार प्रकार का हो गया। पहला कौन सा हो गया, तनु विलय, कौन सा विलय हो, तनु। दूसरा सांद्र, और तीसरा संतृप्त, और चौथा अति संतृप्त। देखो ये जो तनु विलय होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इससे इसका मतलब क्या हो गया, विलय की मात्रा कम हो गई, विलय की मात्रा कम,
अगर मान लो विलय की मात्रा कम हो तो वो कौन सा मिलियन का निर्माण करेगा, तनु मिलियन का निर्माण करेगा। बात समझ में आ गई। अगर विलय की मात्रा ज्यादा हो, विलय की मात्रा ज्यादा हो ठीक है, तो वो कौन से विलयन का निर्माण करेगा, सांद्र विलयन। कौन से विलयन का, सांद्र विलयन का। ठीक है, अब बात आ रही संतृप्ति विलयन की। ठीक है, यानी कि सांद्र से भी ज्यादा हो, यानी कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अधिकतम से अधिक हो, अधिकतम से अधिक हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर मान लो विलय की मात्रा अधिकतम से भी अधिक से भी अधिक हो, ठीक है ना, विलय की मात्रा अधिकतम से भी अधिक, अधिकतम से अधिक हो ठीक है, तो वो अपने पास में क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड विलयन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन लोग क्या बात कर रहे थे, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो पहला प्रकार अपन लोगों ने कौन सा पढ़ा, तनु विलयन, विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूसरा सांद्र विलयन, विलय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा संतृप्त विलयन, विलय की मात्रा ज्यादा से थोड़ी ज्यादा होगी। और चौथा अति संतृप्त विलयन, विलय की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास में क्या हो गया, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। बात समझ में आ गई, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की चर्चा करते हैं। सेकंड टाइप करेंगे विलय की प्रावस्था के आधार पर। किसके आधार पर, विलय की प्रावस्था के आधार पर। सेकंड टाइप हो गया ना विलय की प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, तीन प्रकार होते हैं विलय की प्रावस्था के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार। पहला गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। ठीक है, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं अपन, विलय की प्रावस्था के आधार पर, विलय ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, इन प्रावस्थाओं के आधार पर विलय कितने, सॉरी विलय कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। एक तो हो गया गैसीय विलय और एक हो गया द्रव विलय और एक हो गया ठोस विलय। बात समझ में आ गई। थर्ड अपन बात करेंगे विलय व विलय की प्रकृति के आधार पर, विलय व विलय की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो विलय व विलय की प्रकृति के आधार पर विलयन होता है नौ प्रकार का, यानी कि तीन टाइप तो किसके निकल जाएंगे, गैस के, तीन टाइप किसके निकल जाएंगे, द्रव के, और तीन ही टाइप किसके निकल जाएंगे, ठोस के। तो टोटल कितने प्रकार हो गए, नौ प्रकार हो गए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब अपन बात करेंगे विलय व विलय की प्रकृति के आधार पर। मैं आपको टेबल के रूप में बता देता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कोई एग्जांपल आप लोगों से दे दे और आप लोगों से ये पूछ ले ये किस प्रकार का विलयन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां मुझे थर्ड टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं है, विलय में विलय की प्रावस्था, विलय व विलय की प्रावस्था के आधार। ठीक है, नौ प्रकार।
तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर सारणी बनाना है आप लोगों को विलियम के प्रकार। विलियम का प्रकार ठीक है, फिर आप लोगों को देखना है विलायक, क्या देखना है विलायक, फिर आप लोगों को देखना है विलय, विलायक विलय, फिर आप लोगों को देखना है किस प्रकार का विलियम बना है, और फिर आप लोगों को देखना है उदाहरण। ठीक है, ये पांच बातें आप लोगों को देखनी है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो कौन से विलय की बात करता, गैसीय विलय की, कौन से विलय की, गैसीय विलय की। तो गैसीय विलय में विलायक तो क्या रहेगा, गैस रहेगा, विलायक तो क्या रहेगा, गैस, और विलय क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, विलय क्या हो सकता है, गैस। तो मैं क्या कह सकता हूं, गैस का गैस में मिश्रण, तो विलय किस प्रकार का था, गैस का गैस में मिश्रण, या गैस का गैस, गैस का गैस में विलय, गैस का गैस में विलय, बात समझ में आ गई। यानी कि अपने पास में सबसे पहले विलयन का प्रकार कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन है, तो विलायक क्या है, गैस है, और विलय क्या है, गैस है, तो गैस को किस में मिला रहे हैं, गैस में मिला रहे हैं, तो विलयन भी क्या बनेगा, गैस का गैस में विलयन। ठीक है, एग्जांपल की क्या बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। ठीक है, जैसे N2+O2, बात समझ में आ गई। तो ये गैसों का जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार का विलयन है, गैसीय विलयन है, गैस का गैस में मिलता है। ठीक है, सेकंड अपन बात करेंगे विलायक क्या रहेगा, गैसीय रहेगा, विलय क्या आ जाएगा, द्रव, विलय क्या आ जाएगा, द्रव। तो विलयन किस प्रकार का हो गया, गैस का, गैस का द्रव में विलयन, गैस का किस में विलयन, द्रव के अंदर विलयन की अपन बात करेंगे। गैस का द्रव के विलयन की अगर बात करें तो मैं क्या कह सकता हूं, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, या मैं क्या कह सकता हूं, जल वाष्प। ठीक है, तो यहां द्रव और तो गैस दोनों की बात हो रही है, तो इसका मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ जल वाष्प किस प्रकार का विलयन, तो किस प्रकार का विलयन, गैस का द्रव में विलयन है, गैस का किस में विलयन है, द्रव में विलयन है, यानी कि गैस से विलयन कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड अपन थर्ड अपन बात करेंगे, गैस किस में मिलेगी, ठोस में। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, गैस का ठोस में विलयन, गैस का किस में विलयन, ठोस में विलयन। ठीक है, गैस का ठोस में विलयन की बात करूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ऊर्ध्वपातन की चर्चा कर सकता हूं, तो ऊर्ध्वपातन में मैं क्या कह सकता हूं, ठोसों का ऊर्ध्वपातन, ठोसों का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे कपूर, आयोडीन आदि, बात समझ गए, यानी कि गैस का किस में विलयन, ठोसों में विलयन, तो एग्जांपल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ठोसों का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन देखा होगा। ठीक है, डायरेक्ट ठोस, ठोस से गैस, गैस से ठोस। ठीक है, अब सेकंड बात करेंगे अपन, सेकंड में अपन चर्चा करेंगे द्रव विलयन, कौन से विलयन की चर्चा करेंगे, द्रव विलयन। तो विलय क्या रहेगा, द्रव रहेगा, और विलय क्या रहेगा, गैस रहेगा, विलय क्या रहेगा, गैस। तो अपन क्या कह सकते हैं, द्रव का किस में विलयन, गैस में, द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, द्रव का गैस में विलयन की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, जितने भी कार्बनिक पेय पदार्थ, कौन से पेय पदार्थ, कार्बनिक पेय पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पेय पदार्थ, जैसे मैं बात कर लेता हूं सोडा वाटर, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक,
ठीक है, सोडा वाटर की चर्चा कर लेता हूं या कोल्ड ड्रिंक की चर्चा कर लेता हूं। इसमें क्या होता है कि द्रव तो होता ही है, उस द्रव में क्या मिली, क्या मिली भी होती है, गैस मिलाई भी होती है। ठीक है, तो वो कौन सा विलयन बन गया, द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, तो उसमें विलय तो क्या था, गैस था, विलय क्या था, द्रव था, तो इस विलयन को क्या बोल दिया, द्रव विलयन बोल दिया। ठीक है, सेकंड अपन बात करें द्रव किसमें मिलेगा, द्रव में। तो अपन क्या कह सकते हैं, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। ठीक है, द्रव का द्रव में विलयन की बात करेंगे। ठीक है, तो द्रव का द्रव में विलयन की बात करते हैं, तो विलयन में अपन ये कह सकते हैं, आप लोगों ने देखा नाम सुना होगा एल्कोहल का, किसका नाम सुना होगा, एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल, इस एल्कोहल में मैंने क्या मिला दिया, जल मिला दिया, तो ये द्रव का किसमें विलयन हो गया, द्रव का द्रव में विलयन। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं द्रव का ठोस, द्रव का ठोस, तो क्या कहेंगे, द्रव का ठोस में विलयन, ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। यहां पर ध्यान में रखना है कि जितने भी आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, जितने भी आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन होता है ना, वो द्रव का किसमें विलयन होता है, ठोसों में विलयन होता है। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान में रखना कि आयनिक यौगिकों की जैसे मैं बात कर लेता हूं, किसकी, NaCl की चर्चा कर रहा हूं, NaCl की, KCl की, H2SO4 की, है ना, ये जब सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आयनिक कंपाउंड होता है ना धातु और अधातु से मिलकर बने होता है, धातु और अधातु से मिलकर जिसका निर्माण होता है ना, वो निर्माण किसका होता है, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। एक बात विशेष ध्यान में रखना है, मेटल और नॉन मेटल किसका फॉर्मेशन करता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वो आयनिक कंपाउंड जलीय विलयन लेते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं, और वो विलयन किसका होता है, द्रव का ठोस में विलयन। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर लेता हूं, मैं NaCl की बात कर लेता हूं, NaCl को नमक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये एक ठोस है, और लिक्विड की बात करूंगा तो पानी की चर्चा कर दूंगा, दोनों को बोलूंगा, तो नमक का जलीय विलयन होगा कि नहीं होगा, है, तो नमक का जो जलीय विलयन होता है वो द्रव का किसमें विलयन हो गया, ठोस में विलयन हो गया, द्रव का किसमें विलयन हो गया, ठोस में विलयन हो गया। ठीक है, अपन अब अपन बात करेंगे तीसरा, और तीसरा अपन कौन से विलयन की चर्चा करेंगे, ठोस विलयन की, ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन की बात करेंगे तो विलय क्या रहेगा, ठोस रहेगा, और विलय क्या रहेगा, गैस रहेगा, विलय क्या रहेगा, गैस। तो मैं क्या कह सकता हूं, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, ठोस का किस में विलयन की चर्चा करूंगा, गैस में विलयन की चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, आप लोगों ने नाम सुना होगा निकल का या पेरिलियम का, ये क्या करती है, अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करती है, सतह पर कौन सी गैस को अवशोषित करती है, हाइड्रोजन का। तो मैं क्या कह सकता हूं, पीडी पेरिलियम द्वारा H2 का अधिशोषण, पैलेडियम द्वारा H2 का क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जितने भी ये जो धातुएं जैसे निकल पैलेडियम वगैरह, ये क्या करती है, अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, सेकंड अपन बात करेंगे इसमें ठोस का द्रव में, तो इसको विलयन क्या बनाएगा, ठोस का द्रव में विलयन, उसका किसमें विलयन, द्रव में विलयन। आप लोगों ने नाम सुना होगा HG, मरकरी का नाम सुना होगा। ठीक है, मरकरी जो होती है जिसे पारा बोलते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ, पारा, कौन होती है, पारा। ये किसी भी धातु से क्रिया करती है ना तो अम्लगम का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, अम्लगम का निर्माण करती है। बात समझ में आ रही है, जैसे कॉपर HG तो कॉपर का अम्लगम, ठीक है, जैसे ZnHg जिंक अम्लगम,
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जिस धातु से क्रिया करती है ना, तो वो किसका निर्माण करती है? अम्लगन का निर्माण करती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, पारे का Na के साथ अम्लगन, पारे का Na के साथ अम्ल, अम्ल गम। ठीक है, जैसे NaHD CuHG, ठीक है, ZnHG, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अम्लगम हो गया। बात समझ में आ गई यहां तक की? अब अपन लास्ट बात करेंगे ठोस का, ठोस यानी कि विलेय और विलायक दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ठोस रहेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का किस में विलयन, ठोस में विलयन। ध्यान रखना ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है, मिश्र धातु। ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं पीतल की, ठीक है, जो किससे मिलकर बने होते हैं, कॉपर प्लस जिंक से। मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं कांसा, ठीक है, किसके चर्चा कर लेता हूं, कांसा की चर्चा कर लेता हूं, जो कॉपर प्लस किससे मिलकर बनी होती है, टिन से, कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हो गए, मिश्र धातु के हो गए, यानी कि दो या दो से अधिक धातु का जो मिश्रण होता है उसी को लोग किसके नाम से जानते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों ने क्या पढ़ा है, विलेय व विलाय की प्रावस्था के आधार पर विलयन के नौ प्रकार होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास में पहुंचे। इसका नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूले, क्योंकि इसमें अपन सांद्रताओं की चर्चा करेंगे और सांद्रताओं से हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो को जरूर देखें। दैट्स ऑल।